वालेकुम। वालेकुम। चलो अभी हम लोग निकले हैं कुछ काम से। आज हमारा जिम्मी भी है और जिनको जिनको बाकी है ईदी वगैरह देना और जो मेरे पहचान वाले लोग हैं, और आज तो दो तीन जगह से तो कॉल भी आया है जो मेरे पहचान वाले हैं, तो उनको भी मैं कुछ है जो मेरे हाथ में जो बचा हुआ है वो मैं देने जा रही हूँ। तो अभी शुरुआत गाड़ी से हुई क्योंकि अभी हम निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं और हम जा रहे हैं। आज हमारा जिमी भी जा रहा है हमारे साथ में, है ना जिमू? मम्मी के साथ चलेगा ना आज? चलो, और अमीन भाई तो रहते ही हमारे साथ, तो इंशाल्लाह चलो नेकी के काम में आज फिर थोड़ी सी नेकियां बटोरने की कोशिश, और बस जारी है और बस उसी काम से हम लोग निकले हैं। जजाक अल्लाह, दुआ कीजिए जो भी काम और जो भी नीयत से मैं कर रही हूँ अल्लाह इसे कबूल करे। दुनिया तो आज भी थमी हुई है, आप देख सकते हो बिल्कुल शांत, और गर्मी तो इतनी हो रही है कि अल्लाह पाक इसमें भी हमारी आजमाइश चालू है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ की आजमाइश से हम होंगे पार और हमारा बेड़ा भी पार होगा, हमारी तकलीफें भी दूर, और जो चीज़ें हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं वो भी अल्लाह पाक हमें अता करेंगे। ये तो मेरी पूरी दिल से उम्मीद है कि मेरे अल्लाह ने आज तक बिना मांगे मुझे सब कुछ अता किया, तो ये मांगने से क्यों नहीं देंगे। तो बस अल्लाह पाक से तो दुआ है मेरी ये, और बस इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अगले साल भी मैं हयाती रहे तो ये चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ, क्योंकि अब ये लास्ट है जो मैं देने जा रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं बच्चों की हमारी ईद की तैयारी शुरू होगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं, निकल तो पड़े हैं, आगे आगे जाकर देखते हैं कैसे क्या माहौल है कैसे। ऐसे तो मुझे पता है कि दुनिया का माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि आए दिन मैं लोगों से मिलती हूँ तो इसी चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, मिल रही हूँ लोगों से, तो मुझे पता है कि दुनिया में खुशियाँ कम और तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। तो एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कि किसी की तकलीफ़ में थोड़ी सी कमी मैं कर सकूँ, बस इसी चीज़ की कोशिश में लगी रहती हूँ। अल्लाह मुझे बस इतनी हिम्मत दे और इतनी ताकत दे और इतनी दौलत दे कि मैं एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से लोगों की जाके दिल से मदद कर सकूं। बांटने के लिए अम्मी कैसे है? अच्छा, मैं अम्मी का भी हाथ में तेरे दे देती हूँ। नहीं खुल रहा, कहाँ चली अम्मी? नहीं, अम्मी को दे दे, ये अम्मी को दे दे। हाँ, कहाँ रह रहे तुम लोग अभी? ये गटर के पीछे, ये आप पार्लर में नहीं आती थी? हाँ हाँ, ये जो गटर है बेकरी के पास अंदर गली में। हाँ, ये तू रख। हाँ, चल जाओ, आप ये बार मैं थी, अगले बार जिंदा रही, मैं जिंदा रही तो आप जरूर देना। चल, हमारे 2000 रुपए क्या? 1000 रुपए तो मैं आपको दे। हमने धूप में रहते अगले साल डबल।
जब तक जिंदा तब तक सच्ची में बोलती है दुआ करना मेरे लिए और मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए भी करना मेरे बच्चे भी बांटे मेरे बच्चे भी बांटना चाहिए ना 35 नंबर मेरे पास ये बाबू से और दूसरा सलीम से कह रहा उधर से क्या नाम भाई आपका करू ना भेजो बाबू को भेजो चल मैं जाऊँ एक बच्चा वो बाकी है जरा आप जाकर उसको भेज दो ना आ गया अरे ले बैठाई थी मेरे साथ में था ना उधर चल हो गया ना गेट गेट से शिफ्ट ही करते हैं अभी वही आ रहा है चल चलो अभी कोई बाकी नहीं है ना बाकी है अच्छा एक और बाकी रुको रुको उधर से क्यों घूम कर बिल्ली ने रास्ता काटी तो घूम क्या रहे थे चलो तुम्हारी ईदी भी हो गई तेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने आज है चांद रात और मेरी बेटी का ईदी बाकी थी अभी और मेरे जवाई की और ये मेरी वो बेटी की ननद ये बच्ची ने मुझे मेहंदी लगाई है अच्छी लगाई ना जिसको भी आपको दिल होगा तो मेरे ईमेल पे मैसेज करना मैं इसको भेजूंगी इसका नाम है नीलू और चलो आज लास्ट है अभी तक तो मेरे बच्चों को कुछ दिया नहीं है लड़की है ना लड़की ज़्यादा प्यारी होती ना लड़की बहुत प्यारी होती दिल के लेकिन बहुत तकलीफ भी देती है जब चले जाती है दूर तो चले गई 2500 तेरे और ये मेरे जवाई इरफान को दे देना मेरे बच्चे को ले बेटा ये सब ईदी लास्ट है अपनी अगले साल जिंदा रहेगी आंटी तो तेरी
बेटा ये 2000 वो काम वाली लोग को दे देना। चलिए अभी आप सबको एडवांस हम लोग की तरफ से ईद मुबारक ना फैमिली की तरफ से, और जो भी कहा सुना माफ, इंशाल्लाह दुआ करना कि हयात ही रहे तो इंशाल्लाह फिर अगले साल देखने मिलेगा कि सायरा आंटी क्या कर सकते हैं। और आपके लिए तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, और भूलना नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इंशाल्लाह आप तो फिर मचाना शुरू हो जाएगा, हो गई रमज़ान ख़त्म।